हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइकिल ट्रैवलिंग दिल्ली में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बहुत ही अच्छी लोकेशन पर लेके आए हैं। लोकेशन का नाम है राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र। दोस्तों नेशनल साइंस सेंटर की सारी जानकारी मिलेगी आपको, वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, ये एंट्री गेट है। एंट्री गेट से हम अंदर चलते हैं, अंदर चल के आपको सारी जानकारी देंगे। दोस्तों बात करते हैं यहाँ लोकेशन की, तो ये प्रगति मैदान के गेट नंबर 1 पर आपको आना होगा। ये भैरव रोड है दोस्तों बात करते हैं नियर मेट्रो स्टेशन की, तो नियर मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से आप ऑटो से इजीली 5 मिनट में यहाँ आ सकते हैं। दोस्तों बात करें टाइमिंग की, तो ये सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक ये खुला रहता है और हफ्तों के 7 दिन खुला रहता है। दोस्तों नेशनल साइंस सेंटर, यहाँ पर हर छात्र को आना चाहिए। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको ह्यूमन एनाटॉमी संबंधित बहुत जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। दोस्तों बात करें यहाँ टिकट प्राइस की, तो टिकट एंट्री चार्ज है 70 रुपये, और अगर आप विज्ञान शो देखना चाहते हैं तो आपको 20 रुपये चार्ज देना होगा, और आप 3D शो देखना चाहते हैं तो 35 रुपये चार्ज देना होगा, हेलो शो देखना चाहते हैं तो 40 रुपये चार्ज देना, साइंस इन स्पेयर देखना चाहते हैं तो 50 रुपये, फैंटसी राइड देखना चाहते हैं तो 80 रुपये चार्ज देना होगा। टिकट के साथ में आपको टाइम का भी स्लॉट ध्यान रखना होगा, क्योंकि जिस समय यहाँ पर स्लॉट दिया है टाइमिंग का, उसी समय आपको शो दिखाया जाएगा। दोस्तों एंट्री चार्ज 70 रुपये है, बाकी आप जो भी शो देखना चाहते हैं उसका आपको अलग चार्ज देना होगा। दोस्तों मैंने अपना टिकट ले लिया है, देख सकते हैं। दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों बात करते हैं पार्किंग की, तो पार्किंग आपको साइंस सेंटर के अंदर ही मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको 4-व्हीलर के 70 रुपये, मोटरसाइकिल के 30 रुपये चार्ज देना होगा। दोस्तों साइकिल बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी साइकिल पार्क कर दी, अब चलते हैं आगे साइंस सेंटर के अंदर, दिखाते हैं आपको अंदर का नज़ारा। दोस्तों एंट्री करने से पहले सिक्योरिटी आपका टिकट चेक करेगी कि आपने कौन से शो का टिकट लिया है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक जादुई नल है, देख सकते हैं इसमें पानी निकल रहा है जादुई नल के द्वारा। दोस्तों अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ रिसेप्शन पे इनसे जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप खड़े होकर आप अपना वजन और आपकी किडनी का वजन, आपके शरीर में कितना पानी है, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इस पर खड़े होकर। दोस्तों आपको लेकर चलते हैं ह्यूमन लाइफ, वहाँ पर आपको दिखाएंगे मानव शरीर के बारे में, सारी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है, चित्र भी बनाए हुए हैं। दोस्तों इस चित्र में आप देख सकते हैं गर्भ कितने दिन में कितना बड़ा होता है। दोस्तों एक जानकारी देना चाहता हूँ, जितने भी छात्र साइंस मेडिकल लाइन के जितने भी छात्र हैं, तो वो यहाँ एक बार जरूर आएँ, यहाँ विजिट जरूर करें। दोस्तों यहाँ पर उनको बहुत नॉलेज मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर साइंस के बारे में काफ़ी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। दोस्तों ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में अच्छी यहाँ पर नॉलेज मिलेगी आपको। दोस्तों देख सकते हैं ये। दोस्तों यहाँ पर इस मशीन के नीचे जब आप अपना हाथ रखोगे तो आपकी सारी नसें आपको दिखाई देंगी। दोस्तों मैंने अपना हाथ रखा इसके नीचे, तो मेरी सारी हाथों की जो नसें जहाँ पर उसके लाइट पड़ी है, दोस्तों देख सकते हैं सारी नसें दिख रही हाथ की। दोस्तों आपको लेकर चलते हैं इस गुफा के अंदर। इस गुफा के अंदर आपको कुछ जंगल के जानवर दिखाएंगे, जैसे डायनासोर वगैरह। दोस्तों यहाँ पर अंधेरा काफ़ी है, लेकिन आपको
मैं दिखा दूंगा कहां पर कौन सा जानवर बैठा है। दोस्तों देखते रहें, वीडियो में बने रहें। दोस्तों यहाँ पर ये जो जानवर दिखाई दे रहे हैं बने हुए आर्टिफिशियल, इनकी जानकारी भी यहाँ पर लिखी है। दोस्तों देख सकते हैं आप। दोस्तों यहाँ पर ये जो जानवर दिखाई दे रहा है ये 3D में आपको दिखाई देगा। दोस्तों दोस्तों यहाँ पर आपका अपना सिर आपको एक थाल में, फल के थाल में दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पर आप शीशे की भूल भुलैया में देख सकते हैं। दोस्तों इसमें खो जाते हैं, मैं भी खो गया था दोस्तों, बड़ी मुश्किल से निकला हूँ इस गुफा से। दोस्तों यहाँ पर आपको इतिहास से जुड़ी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आपको पुराने दौर के जो चित्र बनाए गए हैं देख सकते हैं। दोस्तों पहले में ऐसे लोग रहते थे। दोस्तों देख सकते हैं आप वीडियो में किस तरीके से ये गांव के तरह इसको चित्र में दिखाया गया है।
दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है पहले के दौर में इस तरीके से इलाज होता था दोस्तों मरीजों का। दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आने वाले समय में दिल्ली की और बेहतर जगहों की वीडियो डिटेल के साथ मैं आपको जानकारी दे सकूं। थैंक्स, धन्यवाद।